सो गुड इवनिंग ऑल। सो हम चैप्टर रो ना थिला पिले अम्ल क्षारक ओ लवण। ठीक अच्छे, तो आमे सर आम प्रीवियस क्लासेस गुड़ा करे अम्ल विषय रे एवं क्षारक विषय रे ऑलरेडी पढ़ी सारथिले एवं एयारो रासायनिक प्रतिक्रिया गुड़ाक मध्ये ऑलरेडी आमे डिस्कशन करथिले। लास्ट क्लास रे आमे लवण विषय रे टिके डिस्कशन करथिले, लवण किपरि मिलुथिला सर, गोटे अम्ल और गोटे क्षारक को जब मिसाऊ तो अम्ल एच प्लस टी बाहर था, क्षारक ओ एच माइनस बाहर था, ये दुज मिस वाटर दे दूसरे एंड यू जहाँ आम पाखे बलका थेनस था से दुज मिसिक आमको गोटे लवण सृष्टि कर जिनस आम अलरेडी काल क्लास देखी। नर्माली सर लवण कहले बहुत सारा लवण थाए बट आम जो घर यूज करती तो सी हूँ आम एनएसीएल सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को सर आम कि प्रिपेयर करते सर एचसीएल सहित एनएओएच को जब मिसाऊ तो यू एनए बाहर था यू सीएल बाहर था एंड ये मिसिक आम सर एनएसीएल देपर यू एच एंड यू ओएच ये दिन मिसिक आम सर व्वाटर दे प्रोसेस को आम कही पहले ये हूँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रशमनीकरण प्रतिक्रिया। तो ये हूँ सर साइंस लैब रे बा केमिस्ट्री लैब रे आम किप सल्टा को फॉर्मेशन करवा कि आपको छाड़ला बहुत सारा खनिज पदार्थ भितर खनिज लवण भितर एवं आम समुद्र लवण गुड़ाक प्रचुर परिमाण में मिल था। तो आम कौन देखुले ना सर आम पाखे जो लवण थी सर एनएसीएल थी आपको सर आम यूज करपाउंड आम बन पार तो ये जिनस आम कल क्लास देखु थे। तो कल क्लास पढ़े सर जो आम पाखे लुण थी एनएसीएल जिते आपको आम व्वाटर सहित मिसाऊ तो आम पाखे जो सल्यूशन आसाला ताको आम कौन कही बोले तार मन अच्छे ब्राइन बोली कह लुण पानी को ब्राइन कह जाए। तो मुझे पचारे सर आम पाखे लुण थी पानी थी आपको आम कंबाइनली आम ब्राइन कहते तो जो ब्राइन सर रिएक्शन करे जिते करेन्ट दिखे तो ये इलेक्ट्रोलिसिस हुए एंड इलेक्ट्रोलिसिस हला पर एटू कौन फॉर्मेशन होतला बिले एनएओएच एनएओएच रे ना कौन बिले सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एच टू प्लस सीएल टू। ठीक अच्छे, तो ऑलरेडी हमें जिनस देखी थे सर एंड आम कही सर कैथोड रे आम एच टू आसो एनोड रे आम सीएल माइनस आसूला जहाँकि आम ऑलरेडी डायग्राम भी देखे थे ये टाइप रो डायग्राम थिला आमर कैथोड पाखे एच टू आसाला से एनोड पाखे सीएल टू आसाला एंड आम एक्सट्रा आसाला सर यूजेस गुड़ाक आम ये लिखी थे एंड सीएल टू यूजेस गुड़ा लिखी थे एनएओएच रे यूजेस लिखी थे देन आम देखी थे सर जब दुईटा एच टू एंड सीएल टू को मिसेक ना तेज से कौन हो जो सीएल टू एनएओएच को नौते से कौन कौन यूजेस आसाला। तो ये जिनस आम अलरेडी कल क्लास देखी थी आज क्लास देखा पे एच टू सीएल टू एनएओएच एम को आम फर्दर व्यवहार करके आउ कौन कौन कंपाउंड आम बन पार। तो फास्ट तो थी सर आम पाखे एनएसीएल थी एनएसीएल को जो आम ब्रेकडाउन कले सर आम पाखे आसाला एनएओएच आसाला सीएल टू आसाला एच टू आसाला। तो आज क्लास देखा जे एनएओएच को जब आम फर्दर व्यवहार करवा सीएल को एच को जब व्यवहार करवा तो आम पाखे आउ कौन कौन कंपाउंड बन पाए। ठीक अच्छे, तो चलो बोले आज क्लास को स्टार्ट करवा फर्स्ट देख बोले कौन लिखाई ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के ना शुण बोले हाँ, तो आमर काम कौन बोले एवं आम डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंपाउंड गुड़ाकर ना पड़ेगा आम नॉर्मली ब्लीचिंग पाउडर कहते कि ब्लीचिंग पाउडर हूँ गोटे प्रकार केमिकल सब्सटेंस तेणु ये केमिकल सब्सटेंस गोटे केमिकल ना टी थी। ठीक अच्छे, तो से केमिकल ना कौन तार संकेत कौन केमिकल कंपाउंड टी किपर प्रिपरेशन होंड यार यूजेस कौन ये चार्टे जिनस आमको पढ़ियार अच्छे ये पीले तुमको परीक्षा दुई मार्क क्वेश्चन पचार दे पारे जे राइट ए शॉर्ट नोट मीन संक्षिप्त संक्षिप्त टिप्पणी दियो ब्लीचिंग पाउडर विषय संक्षिप्त टिप्पणी दियो तुमको कौन लिखिवार अच्छे ब्लीचिंग पाउडर ना कौन फॉर्मूला कौन किपर सी प्रिपेयर होउची एवं तार यूजेस कौन ये चार्टा जिनस आमको लिखले दुई मार्क मिले।
ঠিক আছে, তো এই চারটা জিনিস আমি গোটে পরে গোটে ডিসকশন করব। দেখো পিলে, আমার পাখে কোণ আসছিল ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড। যদি আমি পাখে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড, ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড মানে কোণ পিলে কার মনে আছে? ভেরি গুড। তো আমার পাখে স্যার সমিত চূর্ণ আমি নিয়েছিলে, সমিত চূর্ণ কু স্যার কাহ সহ আমি রিয়াকশন করাইলে পিলে ক্লোরিন। এবে টিকি সময় আগরু কইতিলি পিলে এইটি আম পাখরে ক্লোরিন মিলিছিলা, তো আমি এইচ কু সিএল কু এন্ড এনএওএইচ কু ইউজ করিয়া কইতিলে, তো ফার্স্ট আমি ইউজ করছন্তি এবি সিএল। তো স্যার যেতর আমি সমিত চূর্ণ সহিত ক্লোরিন রে রিয়াকশন করাইলি, তো কোন হবো স্যার এইটু? না স্যার, সমিত চূর্ণ রে অলরেডি ওয়াটার মলিকুলস থাকে, যে কি স্যার বর্তমান অলগা হয়ে যাব H2OH। তো এটি থিলা কোন স্যার? না স্যার, ক্যালসিয়াম গোটে থিলা, অক্সিজেন দুইটা থিলা, হাইড্রোজেন দুইটা থিলা। তো বর্তমান স্যার আর দুইটা হাইড্রোজেন এন্ড গোটিয়ে অক্সিজেন বাহারিকি পড়াইবে, তো ইয়ে আমাকে ওয়াটার মলিকুল দেবে। তা রহিলা কোন পিলে এটি ক্যালসিয়াম অক্সাইড রহিলা, এন্ড ক্যালসিয়াম অক্সাইড কু স্যার ব্যালেন্স করিবা পাই আমার সিএল গলা এটি আসিকি লাগিগলা, তো ইয়ে আসিলা কোন স্যার? CaOCl2। কোন আসিলা পিলে? গোটে সেকেন্ড। তো এই যে CaO2 আসিলা পিলে, ইয়ে হচ্ছে তোমার ব্লিচিং পাউডার, ঠিক আছে। তো ব্লিচিং পাউডার সংকেত যদি কেতবে পচারা হচ্ছে, তো ইয়ে হয়ে গেল তোমার CaOCl2, বুঝা পড়ব। এন্ড ইয়ে প্রিপারেশন কেমিতে হচ্ছে বলে, কাউ কাউ মিশাইলে ইয়ে আসছে? তো তুমি এমিতি বি কই পারো যে স্যার সমিত চূর্ণ সহিত ক্লোরিন র প্রতিক্রিয়া মাধ্যমে আমাকে ব্লিচিং পাউডার মিলে, বুঝা পড়ব। আচ্ছা, এই যে না আসিলা পিলে CaOCl2, এর না হচ্ছে পিলে ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইট, ক্যালসিয়াম হাইপো ক্লোরাইট D9T, এটা ঠিক আছে। তো CHLORITE, তো ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইড। তো ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইড ক্লোরাইড হচ্ছে পিলে তার কেমিক্যাল নেমটা, এন্ড তাকে আমি জেনারেল ভাষায় বা নর্মাল ভাষায় আমি কুহতি ব্লিচিং পাউডার, ঠিক আছে। এন্ড ব্লিচিং পাউডার প্রিপেয়ার কেমিতে হবো স্যার? না স্যার, সমিত চূর্ণ সহিত ক্লোরিন র প্রতিক্রিয়া মাধ্যমে আম পাখে মিলিব ব্লিচিং পাউডার এবং ওয়াটার। এই জিনিস বুঝিবার কার কিছু প্রবলেম আছে? যদি না লেখিবার আছে লেখি দিও হাইপোক্লোরাইড বা ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইড, বুঝা পড়ব। আচ্ছা, বর্তমান আসিলা বিলে এর ব্যবহার কোন? তোমাকে অলরেডি কইতিলি আমাকে তার সংকেত কোন জানিবার আছে। সংকেত তো অলরেডি আমি কইলে যে CaOCl2, তার কেমিক্যাল নেম কোন স্যার? ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইড, তো সে তার নেম হয়ে গেল। দেন আসিলা মেথড অফ প্রিপারেশন বা কেমিতে সে বনুছে, না ইয়ে হচ্ছে আমার বনিবা প্রসেসটা। এন্ড ফোর্থ রে আসিলা আর ইউজেস কোন বা ব্যবহার কোন? তো স্যার দেখো এটি কোন লেখা হয়েছে, বয়ন শিল্পরে কপা সুতা ও গণবস্ত্রকে কাগজ কলরে কাঠমণ্ডকে ও লন্ড্রিরে লুগা সফাকে বিরঞ্জন করিবা পাই, বিরঞ্জন মিন্স ব্লিচিং, ব্লিচিং এর অর্থ কালিং কইতিলি বলে কলরিং করিবা পাই আমরো ব্যবহার হলা বা সফা করিবা পাই ব্যবহার। তো স্যার আমাকে কোন করিবার আছে স্যার? বয়ন শিল্প, বয়ন শিল্প মানে যেটি আমি সুতা বুণাবুণি কাম চালু, সে কপা সুতা যাক হলো সেমি কাগজ কলরে, কাগজ কলরে আমি কাঠর আমি কাগজ প্রিপেয়ার হুয়ে, তো সেই গুড়াক এবং লন্ড্রিরে লুগা সফা, তো যেটি আমি লুগা সফা করতে, তো সেইটি সফা করিয়া পাই আমাকে কার বি ইউজ করতে বলে ব্লিচিং পাউডার ইউজ করতে সফা করিবা পাই। অনেক রাসায়নিক শিল্পরে জারক ভাবরে ব্যবহার হতো, জারক কোন পিলে? ফার্স্ট চ্যাপ্টার আমি পড়িছিলে জারক, যদি মনে আছে তো জারক সিয়ে থিলা স্যার যে কম্পাউন্ড আমাকে অক্সিজেন দিয়ে বা যিয়ে জারণ প্রক্রিয়ারে সাহায্য করে। সপোজ এটি গোটে কে গোটে এক্স মানকর আছে, তো এক্স মানকর জারিত হবার আছে, তো জারিত হলে কোন হব স্যার? সে এক্স ও দিয়ে বা ও সহ সে মিশিকি বাহারে, তো এই ওটা তো স্যার এক্স পাখে নথিব, ওটা যিয়ে দব সি হচ্ছে তোমার জারক। তো এটি তুমি দেখি পাওয়া পিলে ব্লিচিং পাউডার পাখে ও গোটিয়ে এক্সট্রা আছে, তো যেত ব্লিচিং পাউডার মিশিব এই ওটা বাহার কু বাহারিব, এন্ড ও সহ বাকি জিনিসটি রিয়াকশন করিকি ইয়ে তোমার অক্সাইড প্রিপেয়ার করে। তো এইটি পিলে এক্স কু জারণ করিয়া পাই
एक्सो को जारी तो करिया पे आमु किए साजे करिवो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बा ब्लीचिंग पाउडर साजे कर तेनु सर आमे कोन करिवो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बा ब्लीचिंग पाउडर को गोटे जारक भाव रे व्यवहार करिवो ठीक अछे। एंड थर्ड होची बिले सबुठो हमरो नॉर्मल यूजेस एंड सबुठो यूजफुल जिंस जोटा ते होची जीवाणु नाशकारी पदार्थ भाव रे पानी जल को जीवाणु मुक्त करिया पे तो देखी थी जो बर्षा हो गला तो कुह पानी गुड़ाक सफा करने जीवाणु मारे ब्लीचिंग पाउडर रे यूज कर जान चो ना पे हाँ तो एटा तो सब कॉमन यूज एटा जना पड़ो ओके। तो सर आम ये तीन टा जिनस देखिले फर्स्ट जिनस देखिले सर आम कपा आम काठमंड आम लुगा सफा एम सब धला कर सफा कर ब्लीचिंग पाउडर यूज करती देन सेकेंड जिनस कहले रासायनिक शिल्प जारक भाव में ऑक्सीडेंट हिसाब से यूज करती डिसइनफेक्टेंट डिसइनफेक्टेंट मीन्स आम जो जीवाणु गुड़ाक अच्छा से मारे हरवाई कौन यूज करती ब्लीचिंग पाउडर यूज करते तो ब्लीचिंग पाउडर संपर्क बुझा पड़ो पे तो ये जो टाइप रही पे से टाइप रुमको नोट्स बनवर अच्छे फास्ट ब्लीचिंग पाउडर तो लिखिदेव ब्लीचिंग पाउडर रो नाम होची कैल्शियम हाइपोक्लोराइड देन ब्लीचिंग पाउडर रो संकेत CaOCl2 ताप लिख मेथड ऑफ प्रिपरेशन बा किपरि ये सृष्टि हो संश्लेषित हो सर ब्लीचिंग पाउडर टा संश्लेषित किपरि हो समित चून सहित क्लोरीन रो प्रतिक्रिया करने द्वारा ब्लीचिंग पाउडर और जल मिले एटा फर्स्ट वर्डिंग रे लिखिबो ता तळे लिखिबो जे ए रिएक्शन ठीक अच्छे एंड ता तळे लिखा हो ब्लीचिंग पाउडर रो व्यवहार तो एठु चाहिले सी वन मार्क क्वेश्चन भी पचार दे पारे एठु चाहिले सी टू मार्क्स क्वेश्चन भी पचार दे पारे तो सिंपली पचार देले सर कहा दुजन को भीतर प्रतिक्रिया होई ब्लीचिंग पाउडर टे मिलिबो तो आपन मन रखबार अछि समित चून एंड क्लोरीन ए एक मार्क क्वेश्चन है गला कोइ देतियो ब्लीचिंग पाउडर रो दुईटी किंबा तीनटी व्यवहार लेखो तो ए दुईटा कि तीनटा व्यवहार लेखिले तुमको दुई मार्क मिल जिवो बुझा पड़छ तो ए टाइप रो एठु दुई मार्क किंबा एक मार्क क्वेश्चन आसी पारे तो ए नोट्स टा निजे निजे बनाई दे। सेकंड आसला पिले बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ना सुनजो पिले केबे घरे जेतेबेले रोसे करंती स्पेशली इडली या फिर तमरो चकुली ए टाइम रे तमरो यूज हुए पिले बेकिंग सोडा ठीक अछे। तो बेकिंग सोडा रो काम कोन से हाँ तो सही जिनस नरम करता है मुसमुस नरम से गोटे जिनस बेकिंग सोडा रो मेन काम होला पिले ये आमर कुकिंग प्रोसेस को फास्टन करे कुकिंग प्रोसेस आमर जो खाद्य रोसे हुए से प्रोसेस टाक ये टिके जल्दी कर तो नॉर्मली जदि आमर इडली बनाऊ तो जिते समय लगे आमे बेटर बन रखिले जिते समय लगे से बेकिंग सोडा टे पक दिखे जल्दी जल्दी फर्मेंटेशन हो जाए जल्दी जल्दी टी तार कुकिंग प्रोसेस टा हो जाए तो कुकिंग प्रोसेस टा को फास्ट करने को बेकिंग सोडा दरकार ठीक अच्छे। तेज अगेन सर से बेकिंग सोडार ना कौन बेकिंग सोडार संकेत कौन केमी बनुच्छी एवं तार यूजेस कौन ये चार्टा जिनस देखार अच्छे। तो फास्ट जिनस देख पे ये तो आम पढ़ी पिले जिते आम पाखे लवण नि तो NaCl तो डायरेक्टली ये लवण अच्छे आम पाखे ता सहित आम क्या मिसेले सर ना सर व्वाटर को मिसेले कार्बन डाइऑक्साइड एंड NH3 हूँ एमोनिया ठीक अच्छे एमोनिया। तो सर जब एतिक जिनस मिसेवा सर तो कौन आसला ना गोटे आसला NH4Cl जोटा कि आम कहते एमोनियम क्लोराइड एंड आ गोटे आसला सर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ठीक अच्छे। एटा आम अलरेडी धातव धातव कार्बोनेट और धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट से आम पढ़ते गोटे मेटाल थाए देन हाइड्रोजन थाए एंड ये CO3 हूँ कार्बोनेट तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ठीक अच्छे। तो यार ना हो पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेले बेले या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते तो सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दुटा जाक सेम जिन ठीक अच्छे। तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आसला जो सोडियम बाइकार्बोनेट आसला पे आपको ही आम कहते बेकिंग सोडा ठीक अच्छे। तो बेकिंग सोडार संकेत कौन आस पे NaHCO3 ना कौन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
तो बेकिंग सोडार नाम हूँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जदि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देनी ऑप्शन रे तबे हम कौन लिखा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक अच्छे, तो जदि हमको ऑप्शन रे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अच्छे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मार, जदि सोडियम बाइकार्बोनेट अच्छे तो सोडियम बाइकार्बोनेट मार। दुईटा जाए पे सेम जिनस जी हूँ तुम NaHCO3 एंड आपको जदि आम नॉर्मल आम यूजुअल लैंग्वेज रे कहबा ताको कहंती बेकिंग सोडा। ठीक अच्छे, बेकिंग सोडा प्रिपेयर केमिति होउछि सर ना सर, जिते बेला आम लवण नियंती बा खाइबा लुण नियंती ता सहित सर एमोनिया निया जाए एवं आउ कोन निया जाए सर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड निया जाए। तो ये मिलिबो कोन सर एमोनियम क्लोराइड मिले एंड आमर NaHCO3 जहाँ को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहूँ एंड ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही आमर बेकिंग सोडा हुए। ये बुझा पड़ो बोले अच्छा, एबे जो आम कहले पिले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बा बेकिंग सोडा को आम कौन करुथिले सर ना खाद्य को जल्दी करने खाइबा प्रोसेस टाक स्पीड करने यूज करते। तो सर जिते आम खाइबा प्रोसेस बना तो सही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बा बेकिंग सोडार कौन प्रतिक्रिया हुए से जिनस आम देख। तो देख पे ये आम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो जिते आम खाद्य बना खाद्य बनवा अर्थ कौन पे से आम हिट दिखते बिना हिट रे तो खाइबा बनबनी, तो आम ताप दल ताप दबार से कौन है सर ना Na2CO3 Na2CO3 हूँ सोडियम CO3 हूँ कार्बोनेट। तो ये आसगला बोले सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बुझा पड़ा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आसला बोले ये कार्बन डाइऑक्साइड टा तुमको गैस दबो एंड से गैस जो तुम खाद्य टी मुसमुसिया नरम हो। बुझा पड़छ, नॉर्मली जदि मो सपोज बेसन या फिर जदि बेरी रे किछ करे तो नॉर्मल पूरा टा बेसन रह जीवा कथा, किंतु जेहेतु ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करिवो तेणु ये पूरा टा बेसन न रही ये मझेरे मझेरे कोण हेतिव तमरो कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुडा रही तेणु से गुडा का तमरो फंपा हे जीवे एवं एंटायरली पूरा जिनसटा वर्तमान तम कहबे नरम लागे। बुझा पड़छ, तो वर्तमान जे हम कहउथले सर बेकिंग सोडा करिवा द्वारा बा बेकिंग सोडा पकेवा द्वारा खाद्य टी नरम हो जाए, किंतु नरम कौन पे हुए सर ना बिकॉज ऑफ दिस रीजन जे कौन ना सर एठी हमरो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। ठीक अच्छे, एंड सर जो तो वाटर बाहर तेणु सर सब मन रख पिले ए जो हमरो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अच्छे बा बेकिंग सोडा अच्छे जिते हमें बेकिंग सोडा यूज करते हमरो जेकोसी खाद्य बाहर तो खाद्य टी आम ओदा ओदा रहे से तुम मॉइस्चर रहे जलीय बाष्प थाए। ठीक अच्छे, तो किसी जलीय बाष्प यू बाहर तुम देखी भी यदि इडली कथा कौच या फिर चकुली कथा कौच से तुमको टे पानी पानी फील हुए। ठीक अच्छे, तो से कौन पे हुए सर ना ये वाटर जो हुए। बुझा पड़ो बोले, तो ऑलरेडी आर जदि आम व्यवहार कथा कह व्यवहार तो जना अच्छे बोले रंधन खाद्य को रंधन खाद्य प्रोसेस को स्पीड करने व्यवहार कराए, खाद्य को नरम मसमसिया करने व्यवहार कराए। ठीक अच्छे, बुझा पड़ो बोले यहाँ ना हूँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बा सोडियम बाइकार्बोनेट प्रिपेयर केमी हो ना एम प्रिपेयर हो संकेत कौन NaHCO3। अच्छा, ये खाद्य मिसला पर कौन हुए ना खाद्य मिसला पर सर ताप जो ये विघटित हो तीन टा कंपाउंड तीन टा तुम प्रोडक्ट डिवाइड हो जाए, तो गोटे आम प्रतिकारक नहीं तीन टा उत्पाद बाहर था तो ये हूँ गोटे विघटन प्रतिक्रिया एंड ये विघटन प्रतिक्रिया केमी हो सर ताप जो हो तेणु ये हूँ गोटे तापीय विघटन प्रतिक्रिया एंड तापीय विघटन प्रतिक्रिय कौन बाहर सर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। ये कार्बन डाइऑक्साइड सर गैस है आपर खाद्य भितर रहे सो दैट आम खाद्य आमको टे मुसमुसिया नरम लगे। ये जिन बुझार किसी प्रोब्लम ना। अच्छा, बेकिंग सोडा पर पीले आ गए ना के बेकिंग पाउडर के शुच। अच्छा, मत कह पे बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर सेम जिन ना अलग जिन अलग जिन एक्चुअली देखा गले पे मैंने पूरा अलग ना जिनस से सेम NaHCO3 रु ही क्रिएट होती बट तुम सोडियम तुम सोडार कौन होली NaHCO3 थाए कि पाउडर रे कौन हुए पे NaHCO3 थाए सर ता सहित पे ये तुम गोटे एसिड टे एक्सट्रा मिशि था
बुझा पड़छ तो बेकिंग पाउडर रे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट थाए ता सहित गोटे एसीडी एक्स्ट्रा मिसी था तो सेम जिनस तो थिबो ता सहित हमर एक्स्ट्रा की आसीगला गोटे एसीडी मिसी ठीक अच्छे तो ये देख पड़े अलरेडी लेखा भी है जे बेकिंग पाउडर प्रस्तुत करने कौन कर फास्ट बेकिंग सोडा नि जाए जहाँ कि आम कही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं सहित आम कौन ने टार्टारिक एसिड ठीक अच्छे तो टार्टारिक एसिड पर लिखाई पर मान कौन सर से टाइप रलग किसी भी एसिड जो अच्छे आम नहीं पार ठीक अच्छे गोटे एक्जामपल दे टार्टारिक एसिड है तो टार्टारिक एसिड पर मृदु मृदु मीन मीठा एवं खाद्य उपयोगी तो जोटा कि आम खाई से टाइप रम्ल एक मिश्रण अट तार अर्थ सर ये किए किए रहा NaSCO3 भी रहा जबकि आम खाइबा सोडा मैं बेकिंग सोडा कहते किए रहा सर आम गोटे एसीड टे रहा ये टाटारिक एसीड नि अच्छा मुझे बेकिंग सोडा कही ओडिया कहते खाइबा सोडा ठीक अच्छे तो बेकिंग सोडा खाइबा सोडा दुटा जगह गोटे जिन इंग्लीश कहते बेकिंग बेकिंग मान रोष करवा केक् बनवा एंड ओडिया कहले खाइबा सोडा कह ठीक अच्छे अच्छा एवं टिके समय आगु आम देखी पे जी आम खाइबा सोडा बा बेकिंग सोडा अच्छे ये बेकिंग सोडा को जो आम हिट करूँ तो यू आम कौन आसा सर सोडियम कार्बोनेट आसूल व्वाटर आसूल एंड सर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मन अच्छे बट जो सर आम बेकिंग सोडा जगह बेकिंग पाउडर नि बेकिंग पाउडर ने जो आम गरम करवा तेज कौन हम सर ना सर बेकिंग पाउडर को गरम कराए कि जल में मिशा जाए तेज निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रिया कौन हुए सर ना सर NaSCO3 तो सर ये एंड सर जो आम एसीड नवा एसीड मिनिमम टा कौन थी सर एच प्लस टे थी बुझा पड़च एंड एच प्लस सांगे आ गए किसी जिनस जोटा कि माइनस रे थी एसीड मीन सर गोटे प्लस था गोटे माइनस था एंड प्लस वाला सब एच प्लस था एंड तांगे माइनस रे कि भी जिनस थे बुझा पड़ो तो ये सर जब ये रिएक्शन कर तो कौन हम सर ना सर ये आम CO3 रु ब्रेकडाउन है कि कौन दे पे ये CO3 ब्रेकडाउन है आमको CO2 देदेला एंड ये गोटे ओ टी बड़क अच्छे सर ए ओ एच एंड एच 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 एंड ए ओ एम मिसिक एच टू ओ देदेले ठीक अच्छे एंड ये रहा सर आम NA एंड ये सर आम एसीड र नेगेटिव आयन बा एनायन टी बड़क ए एनए एवं ए माइनस ए दुटा मिसिक सर आम कौन देवे सर सोडियम लवण देवे तो सोडियम गोटे सल्ट ये प्रिपेयर करे बुझा पड़च तो पे ये जिन बुझा पड़ो तो ये आम कौन कले सर ना जिते बड़े कौन सी एक बेकिंग पाउडर को नियंती बेकिंग पाउडर जो रिएक्शन कराती तो ये बेकिंग पाउडर कौन बाहर सर कार्बन ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर वाटर बाहर एंड गोटे प्रकार सॉल्ट बाहर है सॉल्ट कौन बाहर सर सोडियम रो सॉल्ट बाहर सोडियम रो को सॉल्ट बाहर ना आम जो एसीड टे नहीं सहित जे रिएक्शन करके दबो एसीड रही जो सीएल थी पारे कि जहाँ भी थे से एनायन सहित ए एनए प्लस टा मिसिक आमको सॉल्ट दब बुझा पड़ो पे एंड ये जिनस भी अलरेडी मुझे कही थी देख पे तले लिखाई रासायनिक प्रतिक्रिया समय सृष्टि होता कार्बन डाइऑक्साइड पाउरुटी किंबा केक को फुलाई दे नरम और सछिद्र करता सछिद्र मान कौन बोले भितर जो छोट छोट फंपा फंपा जगह गुड़ा था यहाँ कहते सछिद्र है तो पाउरुटी देखी थो तो पाउरुटी जब मझुरी छिंडे दब तो मझुरी ये टाइप छोट छोट होल गुड़ा देखा मिले ये गुड़ा कहते बोले सछिद्र छिद्र छिद्र मान होल गुड़ा एंड ये सछिद्र छिद्र गुड़ा कौन पर बिकज अफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी मुझे ऊपर भी कही थी जिनस तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दीटा जाक प्राय तो सेम जिनस एंड यूजेस भी प्राय सेम ही किंतु डिफरेंस कौन सर जो आम बेकिंग सोडा नियंती तो सोडाटा टी सर स्ट्रॉन्ग थाए एज कंपेयर टू बेकिंग पाउडर ठीक अच्छे बेकिंग पाउडर टी कम रुहे एज कंपेयर टू बेकिंग सोडा इज ए स्ट्रॉन्ग वन ठीक अच्छे बेकिंग पाउडर इज लिटिल बिट वीकर वन फर्स्ट जिनस सेकेंड जिनस कौन सर NaSCO3 रे ओनली NaSCO3 ही था आपको रिएक्शन करने किसी गोटे एसीड बाहर दरकार पड़े कि बेकिंग पाउडर रे
ऑलरेडी सर एठी एसीटी मिसिकी थी ठीक अच्छे बेकिंग सोडा थी ता सहित गोटे एसीटी ऑलरेडी मिक्स थी तो ये हूँ पे दिजन भितर डिफरेंस ठीक अच्छे डिफरेंस बहुत कम डिफरेंस जेहेतु सेम जिन ये भी अच्छे एंड ये भी अच्छे तेन दुजन जा सेम काम यूज हो पार कि सर जदि आम एटा एन एसीओ थ्री जब मुझे दुई चामच यूज कर तो एन एसीओ मैंने बेकिंग पाउडर जब मुझे दुई चामच यूज कर जगह बेकिंग सोडा यूज कला बेले हमको गोटे चामच यूज करा पड़े जेहेतु ये टी अधिक स्ट्रंग होगी था बुझा पड़ो चल तो देख पे एम कि यूजेस गुड़ा दे तो आम यूजेस गुड़ाक यहाँ देखी गोटे फास्ट बेकिंग पाउडर आम करते सेकेंड कौन दे देख पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रति अम्ल गुड़िकर मध्य एक उपादान अटे क्षार होता हेतु यह पाकस्थल अधिक अम्ल को प्रशमन कै और जंत्रण अपशम कर तो कौन कही पे ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टी प्रति अम्ल आम अलरेडी देखी पे प्रति अम्ल मान कौन सर क्षारक मीनस अम्लर विपरीत टाक कहते प्रति अम्ल तो जार जो आम बड़ी भितर अम्ल परिमाण टी अधिक हो जाए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बा बेकिंग सोडा जब आम कंज्यूम करती तेज सी कौन कर सर आम बड़ी भितर थी अम्ल को न्यूट्रलाइज कर प्रशमनीकरण कर ठीक अच्छे प्रशमनकरण कले कौन हम सर आम बड़ी भितर जो एसीडिटा क्रिएट होता है तो एसीडिटा बर्तमान टी नॉर्मल हम बुझा पड़ा पे जिन तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टा गोटे प्रति अम्ल भाव में व्यवहार कर प्रथम जिन कौट व्यवहार करते बोले खाइबा जिनस प्रिपेयर करिवारे बनाई तो खाइबा जिनस जो प्रिपेयर करने व्यवहार करते सेठ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर था एंड सी खाद्य को नरम कर तार फर्स्ट यूज बर्तमान सेकेंड यूज टा कौन आम देखिले जेहेतु सर ये गोटे प्रति अम्ल गोटे तार क्षारक प्रकृति अच्छे तेणु जो पाखे अम्ल परिमाण अधिक हो जाए आपको बैलेन्स करने यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को व्यवहार कर सो दैट कौन हम ना आमको जो जहाँ भी मिले टी न्यूट्रल जिन मिल थर्ड आसला कौन यह सोडा अम्ल अग्नि निर्वापक जंत्र व्यवहार कर माने कौन सर जो पे फायर एक्सटिंग्विशर देखी थो फायर एक्सटिंग्विशर काम कौन सर क्या देखी चो रेड कलर गोटे सिलिंडर टे थी स्कूल लगी थी कौन तार काम कौन पे निया लगे निया लिभेबा हेल्प करे कि जब तुम भलि देखियो पे सपोज तुम स्कूल पांचटा फायर एक्सटिंग्विशर अच्छे ना तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट काइंड फायर एक्सटिंग्विशर थे कौ थे आम पाउडर बाहर थो ठीक अच्छे कौ थे आम पानी थी वाटर थी कौ थे कार्बन डाइऑक्साइड थी गैस थी तो से टाइप रो आमको एसिड बा सोडा एसिड जिनस दरकार से हम क्या नि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को नि बुझा पड़ एब सर क्वेश्चन आसपे पाउडर कहीं वाटर कहीं सर जो निया लगी ना निया कौपाई लगी धरिक आम व्यवहार करते अलग अलग जिन करेन्ट पर जब निया लगे थी सही जब नहीं पा पकईद ना सी आधिक डेंजर हो हाँ से जब गैस द्वारा जब से पा पकईद सी आधिक हो तेणु सर समस्त अलग अलग अग्नि निर्वापक जंत्र था तो सेपरी सर गोटे अग्नि निर्वापक जंत्र हूँ सोडा अम्ल एसीड द्वारा आम से अग्निटा को निर्वापक करें से एसीडटा को आम कमी निर्वापक करती कौन व्यवहार हुए से व्यवहार हुए सोडियम हाइड्रोजन कार्बन बुझा पड़ो बर्तमान आसला पे वाशिंग सोडा मान कौन धोईबा सोडा ठीक अच्छे तो आम दुई प्रकार जिन देखे गोटे खाइबा गोटे धोईबा तो सर खाइबा सोडा तो आम अलरेडी पढ़ी सारे बर्तमान देखिए धोईबा सोडा तो धोईबा सोडा जब आम पढ़ा पे तो देखा देख जब मन अच्छे पे ये आम पढ़ी कौन यहाँ NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बा खाइबा सोडा आपको गरम कले आम पाखे कौन आसला पे सोडियम कार्बोनेट ये सोडियम कार्बोनेट हूँ पे आम धोईबा सोडा ठीक अच्छे तो सोडियम कार्बोनेट केमी मिलूच पे आमको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट कले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट माने कौन ना खाइबा सोडा बा बेकिंग सोडा
तो सही जिन लिखा देख पिले जे बेकिंग सोडा को गरम कले सोडियम कार्बोनेट मिले एंड सोडियम कार्बोनेट को पुनः स्फटिकीकरण कले धोवा सोडा मिले। स्फटिकीकरण गोटे नुआ वार्ड टे आसा पे स्फटिकीकरण मान कौन ना जिते पे आम NaCO3 को गरम कर दिखते तो गरम करदे कौन हुए सर ये तो Na2CO3 मिल जाए किंतु प्रॉब्लम कौन हुए सर गरम कले वाटर मॉलिक्यूल्स गुड़ाक यू बाहर की चली जाए ठीक अच्छे तो वाटर मॉलिक्यूल जो बाहर को बाहर जाती बट आम को दरकार वाटर मॉलिक्यूल तेणु आपको आउ थे आम कौन करवा सर वाटर मॉलिक्यूल सहित रिएक्ट कर तो वाटर मॉलिक्यूल सहित रिएक्ट करने कहते पे स्फटिकीकरण है स्फटिकीकरण में कौन हुए ना जो भी आम कंपाउंड नहीं से किसी आम वाटर मॉलिक्यूल्स गुड़ाक मिसेई थी तो ये देख भी पार्थ पे आम बेकिंग सोडा को ऑलरेडी नहीं थे गरम कले आमको सोडियम कार्बोनेट बामर खाइब सोडा मिलूला बट ए कौन कर सर किसी आमको वाटर मॉलिक्यूल्स नबार अच्छे केतटा वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं पे तार अर्थ गोटे सोडियम कार्बोनेट्र मॉलिक्यूल गोटे सोडियम कार्बोनेट्र अणुपाई आमको केतटा वाटर मॉलिक्यूल दरकार पड़े दस टी दरकार तो से जिन लिखाई बोले एम रिएक्शन किसी करेंगे नहीं जस्ट Na2CO3 जहाँ थी सेम सैड जस्ट डट टी दब एंड जितना वाटर मॉलिक्यूल अच्छे से सैड लिखे ठीक अच्छे तो आम आपको पढ़ते कमी ना सोडियम कार्बोनेट विथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है ये तो थी सोडियम कार्बोनेट एंड एम के वाटर मॉलिक्यूल आसला तो सोडियम कार्बोनेट विथ 10 वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस इज एंटायरली नोन एज योर वाशिंग सोडा बुझा पड़ा तो वाशिंग सोडार फॉर्मूला हूँ पे सोडियम कार्बोनेट डॉट 10 वाटर हम बुझा पड़े पे एंड ना ही कौच वाशिंग वाशिंग अर्थ कौन पे धोवा तो आर व्यवहार कौट करा निजे कही पार वेरी गुड तो सेम जिन लिखाई थी बोले तो तार व्यवहार लिखाई फोटो सेकेंड रोड डिलीवरी रोड तो पे धोवा सोडार व्यवहार सोडियम कार्बोनेट बा धोवा सोडा काच साबुन और कागज शिल्प व्यवहार करा जाए फास्ट जिनस ठीक अच्छे सेकेंड जिनस कह बोराक्स पोरी सोडियम जौगिक गुड़ी उत्पादन करने को व्यवहार करा जाए एंड थर्ड जिनस घर सफा करने कार्य सोडियम कार्बोनेट को व्यवहार करा जाए लास्ट जिनस जलर स्थायी खरत्व दूर करने को व्यवहार करा जाए जदि आम कतरे जगह थी जो थी कि पानी टी आमको खारिया लगे तो से खारिया पानी को जो आमको दूर करार अच्छे तो से आम ये वाशिंग सोडा टी यूज करते सो दैट ये जिनसा टी दूरीभूत हो पाए बुझा पड़े बोले जिनस बोराक्स हूँ बोले गोटे सोडियम कंपाउंड टे जार ना हूँ बोले बोराक्स जमी आम ये सोडियम कार्बोनेट कह गोटे ना देखते आम कहते CaOCl2 यहाँ आम जमी ब्लीचिंग पाउडर कहते सेमती बोले सोडियम गोटे कंपाउंड टे अच्छे जहाँ आम बोराक्स कहते ठीक अच्छे बोराक्स हूँ गोटे सोडियम कंपाउंड टे है जार फर्मूला हूँ तुम बहुत बड़ वाला फर्मूला अच्छे Na2D4O5OH4 है तो आठ बेटर आपको न जानवाटा तो खाली पचार तेणु कहे ये हूँ बोराक्स तो जो थी सोडियम रिगार्डिंग ये जिनस अच्छे तो ये बड़ कंपाउंड टाक प्रिपेयर करने आमको ये Na2CO3 डट वाटर ये मॉलिक्यूल को नहीं आपको बनवाक पड़े है एंड आर ना जदि पचार ना हूँ सोडियम टेट्रा बोरेट ठीक अच्छे परीक्षा दरकार ना तेना तो जाना दरकार ना बट जब जानवा चाहो सोडियम टेट्रा बोरेट आ नाटा है तो वर्तमान जाए मैं ऑलरेडी तीन टा जिनस देखिले गोटे थी ब्लीचिंग पाउडर आ गोटे थी आमर बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर बाहर थी एंड लास्ट आसला वाशिंग सोडा क्लीअर हो पे जिन तो क्वेश्चन आसला पे लवण गुड़िकर स्फटिक प्रकृत में शुष्क स्फटिक मान पे देखी लुण देखी लुण दाना गुड़ाक थी लुण दाना देखी पे गोटा लुण जो गुड़ा थाए
तो ताकु आमे कहते पिले क्रिस्टल बा स्फटिक है। तो स्फटिक मान जो लुणर गोटे गोटे दाना अच्छा छोट छोट था जो सेपटा था तार जो स्ट्रक्चर टा था स्ट्रक्चर को कहते स्फटिक बा क्रिस्टल। तो सी पचार लवण गुड़िकर स्फटिक प्रकृत में शुष्क कि मान कौन सर यदि आम लुण दाना टी ना पीले से किसी पा अंश थाए ना सी पूरा सुखिला था बोले सर नॉर्मल तो हम देखा जाए सुखिला था जितेबाला आम नॉर्मल देखती आम हाथ को केवे भी पानी लगे ना सुखिला सुखिला था बट के देखीछे बिल लुण जगह जो थाए से जगह टी उदा उदा था। हाँ तार अर्थ बिले या भितर पानी अच्छी ना नाई बिले अच्छी सर। तो सही जिनस ही से कहि लवण गुड़िकर जदि क्रिस्टल जगह नबा ना सर ता भितर किछे अमाउंट रो पानी प्रथम रु ही था जदि पानी प्रथम रु थिबो तबे से शुष्क हबो कि ना बुझा पड़ल। तो सही जिनस ही से एट दे छि पिले जे हम पाखरे ओडे आकु जते बेला आमे माने एक्सपेरिमेंट माध्यम रे जदि बुझियो चेष्टा करबो तो आम गोटे लवण टे नहीं कपर सल्फेट कौन नहीं बोले। तो कपर सल्फेट सर कपर मीनस ये तुम सी यू प्लस देखा सी यू टू प्लस ये तुम पॉजिटिव आयन होगा कैटायन होगापर तुम एसओ फोर टू माइनस ये तुम एनायन तो गोटे कैटायन गोटे एनायन टी दुजन मिसिक तुम गोटे लवण टे बुझा पड़छ। तो आम गोटे लवण ने जार ना दे कपर सल्फेट है बर्तमान आम कौन कले सर गोटे आमर स्फुटन नली बा परीक्षा नली धारक मैं आपको कौन गोटे जो टेस्ट ट्यूब अच्छे एंड टेस्ट ट्यूब को धोवाई आम पाए गोटे होल्डर टी अच्छे तो गोटे टेस्ट ट्यूब को आम होल्डर भितर नहीं एंड ताकु सर से टेस्ट ट्यूब भितर कि कपर सल्फेट नहीं आपको नहीं आम कौन कले सर बर्नर मध्यम जल गरम कल। तो गरम कले कौन पिले सर ता भितर जितक भी जलिय अंश थी से गुडाक सब सुखी थी ठीक अच्छे। तो जलीय अंश जैक भी थी भितर सी अलरेडी बर्तमान बाष्पीभूत हो बाष्पीकरण होड़ी जब बाष्पीकरण होड़गला पे तो एबि आम कौन देखा मिले तो देखो पे बर्तमान कौन हम जे नर्माली सर कपर सल्फेट कलर टा नील कलर थाए है स्काए कलर नील कलर ब्लू कलर थाए बट जिते आम गरम कर दिखना पे तो गरम कलापर सी कौन हम पे तार कलर टा फेड हो कलर टा फेड हो सी कौन हम तुमको व्हाइट बा धला कलर देखा बुझा पड़ा। तो आम कौन देखिले पिले ना सर नॉर्मली ये सर नील कलर थिला बट जो तक आम गरम कले गरम कलापर देखी थो ये जो आम टेस्ट ट्यूब अच्छे टेस्ट ट्यूब चारि साइड रे छोट 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 जल बिंदु गुड़ा लगला देखा है एंड ये जल बिंदु आसला कौटू पिले ना ये आम कपर सल्फेट भितर थी यहाँ धीरे धीरे बाष्पीभूत होपर को उठी उपरक उठला थंडा होगा एंड थंडा होगा सैड लग रही है बुझा पड़ा। तो सर यू आम जान लें सर कपर सल्फेट भितर कि जलीय अंश थिला एंड ता कलर टा नील होते तो गरम कले सर ये कपर सल्फेट जलीय अंश गुड़ाक बाहर को बाहरी गल तेणु सर ये कलर टा बर्तमान फेड हो व्हाइट बा धला कलर हो जदि पे ये कपर सल्फेट को बाहर बाहर करी है एंड आउप जब मुझे जल अंश बा जल डोपा पकेबी व्टर पकेबी तो तुम देख पे ये एगेन आउ थे आम नील कलर हो बुझा पड़छ। तो आम यू कौन जान लें सर ना कपर सल्फेट भितर सर अलरेडी किसी व्टर पार्टिकल्स थी एंड ये व्टर पार्टिकल्स जो आ कलर टा नील होते आम गरम कले सर ये व्टर पार्टिकल्स गुड़ाक इवापोरेट बाष्पीकरण होपरक उठीगला जहाँफल आर कलर टी धला ठीक अच्छे पुणी थे जदि आम ता जलर प्रवेश कराइबा जल मलिकुल पकेबा तो सी पुणी थे नील कलर हो बुझा पड़े जिनस। तो ये जो आम क्वेश्चन आसाला जे लवण गुड़िकर स्फटिक प्रकृत में शुष्क कि तो आंसर कौन आस पाखे अलरेडी आम वाटर मॉलिक्यूल्स गुड़ाक आगर थाए बुझा पड़ो। तो लास्ट जिनस रहा पे जमी आम अलरेडी जिनस गुड़ाक देखी जे बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर से टाइप आम पाखे आ गोटे ना आसला पे प्लास्टर ऑफ पेरिस है भाभी दिखाई सारे मानते पेरिस रु आनाई कह नाटा हो प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस देखी बिले आर यूजेस कौट जान हाँ हाँ
ବେଶୀ ଭଲ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ଯାହାର କି ହାତ ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ଟି ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ଦେଖିଛ କେବେ? ହଁ, ଏଇଟା ତ ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଲାଇଫରେ ଭଲ ଭଲ କାମ କରିଥିବେ ଯାହାଫଳରେ କି ହାତ ଗୋଡ଼ କେବେ ନା କେବେ ଭାଙ୍ଗିଥିବ, ତ ସେଇଠି ସାର୍ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ପୁରା ମୋଟାର ହ୍ୱାଇଟ୍ର ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଲେୟର୍ଟି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ହଁ, କପଡ଼ା ତ ଥାଏ, କପଡ଼ା ଉପରେ ଗୋଟେ ପାଉଡର ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷଟି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ହେଲା। ସେ ଯୋଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଯୋଉ ଚୂନ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଥାଏ ନା ପିଲେ, ତା ନାଁ ହଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ, ବୁଝା ପଡ଼ିବ? ହଁ, ତ ସାର୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସର ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି ପିଲେ ଏଇଟା CaSO4 ହାଫ୍ H2। ତ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଦେଖ ପିଲେ, CaSO4 ଇଏ ହଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ। କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟରେ କେତେଟା ୱାଟର ମଲିକୁଲ୍ସ ଅଛି ପିଲେ? ହାଫ୍ ୱାଟର ମଲିକୁଲ, ଅଧା ଅଛି ହେଲା। ସେଥିରେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଅଧା ମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଣ୍ଡ ଅଧା ମିଶେଇବା, ମିନ୍ସ ଦେଢ଼ଟା ମିଶେଇବା, ତ ସାର୍ ଏ ଗୋଟେ ଅଧା ଆଉ ଏ ଅଧା ଏ ଦିଟା ମିଶିଲେ କେତେ ହବ ସାର୍? ଦିଟା ୱାଟର ମଲିକୁଲ୍ସ ହେଲା। ହଁ, ତ CaSO4 2H2, ତ ଏହାର ନାଁ ହଉଛି ପିଲେ ଜିପ୍ସମ। କଣ ପିଲେ? ତ ଜିପ୍ସମ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ ଦୁଇଟା ଯାକ ସେମ୍ ଜିନିଷ ସାର୍। ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସରେ ଯଦି ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ମିଶେଇବା ତେବେ ଆମେ ଜିପ୍ସମ ମିଳେ। ଜିପ୍ସମକୁ ଯଦି ଆମେ ଗରମ କରିକି ପାଣି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ ମିଳେ। ବୁଝା ପଡୁଛି କଣ କହୁଛୁ? ହଁ, ତ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ଦେଖ, ଏଠି ଜିପ୍ସମକୁ 373 କେଲ୍ଭିନ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ଏହା ଜଳ ଅଣୁ ହରାଏ। ଜଳ ଅଣୁ ଯଦି ହରେଇ ଦେବ ତେବେ ସିଏ କଣ ହବ ନା କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ ହେମି ହାଇଡ୍ରେଟ। ହେମି ହାଇଡ୍ରେଟ, ହେମି ମିନ୍ସ ଅଧା, ତ ହେମି ହାଇଡ୍ରେଟ, ହାଇଡ୍ରେଟ ମିନ୍ସ ୱାଟର, ତ କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ ହେମି ହାଇଡ୍ରେଟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆଣ୍ଡ ଏ କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ ହେମି ହାଇଡ୍ରେଟକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ କୁହ, ବୁଝା ପଡ଼ିବ? ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସର ମେନ୍ କାମ କ'ଣ ସାର୍? ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ହାଡ଼କୁ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ବୁଝା ପଡ଼ିବ? ତ ନର୍ମାଲି ପିଲା ଆମ ପାଖରେ ଚୂନ ଭଳିଆ ଥିବ ବା ପାଉଡରଟି ଥିବ, ସେଥିରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଟିକେ ପାଣି ମିଶେଇବେ। ପାଣି ମିଶେଇଲେ କ'ଣ ହବ ସାର୍? ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ପେଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ବନିଯିବ। ଆଣ୍ଡ ସେ ପେଷ୍ଟଟା ହଉଛି ପିଲେ ଜିପ୍ସମ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଜିପ୍ସମଟା ସାର୍ ଗରମ ହବ ଆଣ୍ଡ ପାଣିଟା ଶୁଖିଯିବ, ଶୁଖିଗଲା ପରେ ସେ ଏଗେନ୍ ସାର୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଣ୍ଡ ସାର୍ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ଟାଣ ବା ହାର୍ଡ ହେଇକି ରହିବ, ବୁଝିବ? ତ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏଠି ଲେଖା ହେଇ ଦେଖ ପିଲେ, ଏହା ଏକ ଧଳା ପାଉଡର ଏବଂ ଏହା ଜଳ ସହିତ ମିଶି ପୁନର୍ବାର ଜିପ୍ସମରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତ ଓ କଠିନ ବସ୍ତୁ, ଅଲରେଡି କହିଦେଲି ପିଲେ ଏଇଟା। ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସରୁ ତମେ ଚାହିଁଲେ ଜିପ୍ସମ କାଢ଼ିପାରିବ ଏଣ୍ଡ ଜିପ୍ସମରୁ ତମେ ଚାହିଁଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ ବାହାର କରିପାରିବ। କେମିତି ହବ ସାର୍? ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସରେ ପାଣି ବା ଜଳ ଅଣୁ ମିଶେଇଲେ ସେ ଜିପ୍ସମରେ ପରିଣତ ହବ। ଜିପ୍ସମରେ ଜଳ ଅଣୁ ଯଦି ବାହାର କରାହେଇଯିବ ବା ଗରମ କରାହେଇଯିବ ତ ସିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସରେ ପରିଣତ ହବ, ବୁଝିବ? ଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସର ପିଲେ ବହୁତ ସାରା ୟୁଜେସ ଅଛି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବ ପିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ତମର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ବା ସରସ୍ୱତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ବନା ହୁଏ, ତ ସେଇଟା କୋଉଥିରେ ବନା ହୁଏ? ନର୍ମାଲି ମାଟିରେ ବନାନ୍ତି, ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ମାଟି ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ସେ ମିଳେନି, ତେଣୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସରେ ବନାନ୍ତି। ତାକୁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ POP କୁହନ୍ତି, POP ମିନ୍ସ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ ହେଲା। ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯେତିକି ସବୁ ଡିଜାଇନ ଗୁଡ଼ାକ ହୋଇଥାଏ ହେଲା, ସିମେଣ୍ଟ ତ ଆମେ ସିମେଣ୍ଟରେ ଡିଜାଇନ କଲାକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଆମେ POPରେ କରନ୍ତି। POP କ'ଣ ହେଇଥିବ ସାର୍? ସିଏ ସିମେଣ୍ଟ ଭଳି ଗୋଟେ ଚୂନ ଟାଇପ୍ର ଥିବ, ସେଥିରେ ପାଣି ମିଶେଇଦେଲେ ସେ ଜିପ୍ସମ ହେଇଗଲା। ପାଣି ମିଶେଇଲା ପରେ ସାର୍ ସେ ଲିକ୍ୟୁଡ ଷ୍ଟେଟକୁ ଆସିଯିବ, ତାକୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା ତାକୁ ପକେଇଦେବା। ସେ ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ ଆଟମସ୍ଫିୟରରେ ସେ ପାଣି ଜିନିଷଟା ଶୁଖିଯିବ, ଶୁଖିଗଲା ପରେ ସେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯିବ, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ତ ଘରେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବ ଛାତ ଗୁଡ଼ାକର ସିଲିଂ ଗୁଡ଼ାକର ଡିଜାଇନ ହେଇଥିବ, ଦେଖିଥିବ ନା ପିଲେ? ଯୋଉଠି ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗୁଛି ସେ ଉପରେ ତମର ଡିଜାଇନ ହେଇଥାଉଛି, ସେଗୁଡା ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସରେ ବନାହେଇଛି ହେଲା। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବହୁତ ସାରା ଡିଜାଇନ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସରେ ବନେ, ବଟ୍ ଆମକୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ କୋଉଠି ୟୁଜ୍ ହୁଏ? ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନଃସ୍ତର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବା ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ବୁଝା ପଡ଼ିବ ପିଲେ? ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏଇସବୁ 4-5 ଜିନିଷ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ତ ତମର କାମ ହେଲା ପିଲେ ଏହାର ନୋଟ୍ସ ବନେଇବ, ଯୋଉଥିରେ କି ଏହାର ସଙ୍କେତ, ନାମ ଏବଂ କିପରି ପ୍ରିପାରେସନ କରାଯାଏ ଏଣ୍ଡ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଏତିକି ଜିନିଷ ତମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ବୁଝିବ ପିଲେ?